actor Sonu Nigam and his team were allegedly manhandled at a concert in the Chembur area of Mumbai on February 20. Following the incident, the singer reached Chembur police station and lodged a complaint, prompting police to file a case. वो वीडियो में देखेंगे राइटिंग साइड में पहले हरि को पुश किया है, उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ, हाँ मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा, तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता वो, अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो, इसलिए बस इसलिए मैं अभी आपको मैंने शिकायत दर्ज की है, इसलिए ताकि लोगों को ये थोड़ा लेकिन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते तो उसके बाद में एरोगेंस और ये धक्का मुक्की। There's been no arrest made by the police so far, but the video of the incident has gone viral on social media. The incident took place when Nigam was in suburban Chembur to attend a music festival. एक इंसान को इंजरी हुई, इस सिलसिले में सोनू निगम जी की एफआईआर ली गई, जिसमें आईपीसी सेक्शन 341, 323 और 337 इन सेक्शंस के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस घटना में जिस इंसान ने उन्हें पकड़ा था और ढकेला, वो स्वप्निल पाथर पे करके है। While leaving the venue, a group of fans approached the singer for a selfie when his two colleagues intervened. Both colleagues of Nigam were manhandled by the fans, leading to one of them receiving a minor injury.